एक चार्ट है कुछ चार्ट हम बात कर करें डी वन और डी नाइन पहले इसमें आप चार्ट देखेंगे तो इट्स अ चार्ट ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस हु वाज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन 1930 एंड ही ही मल्टी लैंग्वेज फाइव प्लस लैंग्वेज इट इज बीन सेड दैट उनको कई लैंग्वेजों का ज्ञान था वो लिखना पढ़ना जानते थे बल्कि पांच तो मैंने शायद कम लिखी है ऐसा माना जाता है कि उनको आठ दस लैंग्वेजेस का ज्ञान था जिसको वो लिख पढ़ सकते थे वो हम डी वन और डी नाइन के परस्पेक्टिव से कैसे इस बात को हम देख पाएंगे इसकी हम आज अभी बातचीत करेंगे इस पर ठीक है जी डी वन चार्ट पहले वाला चार्ट है डी नाइन चार्ट सेकेंड वाला चार्ट है अंदर वाला जो चार्ट है वो नेटल चार्ट है आउटर वाला ट्रांसिट टांस, चार्ट है अंदर वाला जो चार्ट है छोटा छोटा च... चार्ट जो है वो डी वन है अगर वन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इनका जो लगन है वो दो नंबर का तारस लगन या वृषभ लगन इनका है और मंगल देव इनके लगन में ही बैठे हुए हैं विराजमान है राइट विराज right. इनके वन में अगर हम देखते हैं नेताजी के वन में देखें तो जुपिटर जो है कहां पर है लियो में जुपिटर जो है लियो राशि में विराजमान है एंड है हमें ये बात पता है सबको कि जब प्लैनेट रेट्रोगेट होता है तो वो अपनी जगह के साथ साथ कुछ हिस्सा पीछे वाले घर का भी देता है ये हम सबको पता है ये सब हमने एक्सपीरियंस भी किया है ना जुपिटर जब रेट्रोगेट है तो कैंसर की पोजिशन पे भी जा रहा है जब वो कैंसर की पोजिशन पे जा रहा है तो यहां से अगर आप देखेंगे तो कैंसर के साथ कैंसर की पोजिशन से सूर्य के साथ एक साथ का डायरेक्ट रिलेशनशिप उसका सूर्य का दिखा दर्शाता है वो और जुपिटर के ट्राइन के अंदर आप देखेंगे कैंसर की पोजिशन से तो शनिदेव भी आते हैं ठीक तो जुपिटर का रिलेशनशिप कैंसर के साथ कैंसर में जाते हुए सूर्य के साथ बनता है और शनि के साथ बनता है जो कि स्कॉर्पियो में स्थित है इफ यू कैंसर इंटू दैंसर ये डी वन की बात हुई अभी डी नाइन पे जरा देख लेते हैं एक बार डी नाइन में अगर आप देखिए तो जुपिटर और शनिदेव कंजेक्ट है दोनों आपस में सीधे सीधे ठीक है और इनके ट्राइन में एक्सॉर्टेड सन भी है इनके ट्राइन में एक्सॉर्टेड सन भी है तो ये चीज दो रूल तो यहां पे लगे आपको नजर आए इनके ट्राइन में एक्सॉर्टेड सूर्यदेव है और D9 के अंदर शनि और गुरुदेव इकट्ठे बैठे हैं सो तो एक रूल इनमें सीधा सीधा आ जाता है यहां पे बाहर कि दोनों चार्ट के अंदर D1, D9 के अंदर शनि गुरु और सूर्य आपस में मिलाप कर रहे हैं और बहुत स्ट्रांगली दर्शा रहे हैं D9 में जो कि एक एक रीकंफर्मेशन स्टेट है एंड इससे स्ट्रांग रीकंफर्मेशन ठीक एंड युतियों के बारे में हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे दोबारा से एक बार रिवाइज करने के लिए जब लेकिन आपको पता है गुरु सूर्य और शनि जब आपस में कंजेक्ट होते हैं तो ये एक ग्रेट योग बनाते हैं एक अच्छा योग क्रिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस सरकारी पोजिशन और सरकार से बेनिफिट मान सम्मान से रिलेटेड एक योग क्रिएट करते हैं ना जब सूर्य देव जब ट्रांजिट के अंदर ट्रांजिट के अंदर ये ट्रांजिट मैंने यहां पे लिया है ठीक है ये ट्रांजिट यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है करीब ये नाइनटीन थर्टी के करीब ही ट्रांसलेट आई है जो मैंने लिए बनाया हुआ ये डेट एक्जैक्टली क्या है वो मुझे भी एक बार देखनी पड़ेगी बट नाइनटीन थर्टी के आसपास का ट्रांसलेट मैंने ये बनाया है इस इस समय पे अगर आप देखें गुरु सूर्य शनि जो डी वन के चार्ट में है और डी नाइन के चार्ट में है और डी वन के चार्ट में ही ट्रांसलेट और डी वन के चार्ट में लगाए गुरु शनि सूर्य शुक्र नेटल के गुरु शनि सूर्य के साथ कनेक्ट कर रहे हैं यू सी डेट एक बार मैं आपको तो दशा दिखा देता यहाँ पे ये नेटल के सूर्य देव है गुरु देव है जो कि पीछे जाएंगे चार नंबर में तो यहां से फिर ये रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं अपने यहाँ से सूर्य के सूर्य के साथ इनके टाइम के अंदर शनिदेव आ गए अब नेटल पे चलते अब अब ट्रांजिट पे चलते हैं ट्रांजिट के शनिदेव आ गए ट्रांजिट के शुक्र देवी आ गए ट्रांजिट के सूर्य देवी आ गए और ट्रांजिट के गुरु देवी आ गए ठीक है सही है।, है आप जो दिखा रहे हैं ना वो शो नहीं कर रहा चार्ट दिख रहा है हाँ अब आया सर अच्छा भाग्य ठीक है, है जी थैंक यू ठीक है कई बार टेक्नोलॉजी है कई बार प्रेजेंटेशन होता है तो फाइन यहां से अगर आप देखें ट्रांजिट के सु, गुरुदेव सूर्य के साथ हैं और जुपिटर जब पीछे जाएगा वहां पे भी आएंगे ट्रांजिट के शनिदेव शनि शरी के साथ हैं और गुरु के साथ भी हैं ट्रांसिट के सूर्यदेव सीधा सीधा और शुक्रदेव दोनों सीधे सीधे बैठे गुरुदेव को कनेक्ट कर रहे हैं ठीक यहाँ पे हमने एक चीज ये देख ली अब अगर यहां पे जाएंगे इस वाले चार्ट पे जाएंगे यहाँ पे ये यह नेट्रो है यहां पे भी तो यहां भी जा रहे हैं और यहां से गुरुदेव गुरुदेव दे, सीधा इनको इफेक्ट कर रहे हैं शनिदेव शनिदेव आ रहे हैं ठीक सूर्यदेव शनि शनिदेव की राशि में है ठीक सूर्य शुक्र दोनों शनिदेव की राशि में है और सूर्य शुक्र सीधा सीधा शनिदेव को कनेक्ट कर रहे हैं बोर्ड दी वन एंड डी नाइन चार्ट कंफर्म पोजीशनिंग दैट दिस पर्सन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांसिट D1 D9 के चार्ट में इनके पास ऑलरेडी इनके पास बना हुआ है और इस पोजीशन के अंदर इनको एक भारत प्राप्त होगी जो कि सरकार के साथ कनेक्ट करेगी सरकार के साथ रिकनाइजेशन होगी मान सम्मान होगा और इसका आपको ये हमने पढ़ा है पहले कि गुरु शनि और सूर्य जब इकट्ठे होते हैं तो योग बनाते हैं तो इंसान को मान सम्मान धन पोजीशन प्राप्त होती है सरकार के सहारा द्वारा बेनिफिट प्राप्त होता है ये एक नेटल ये अपना रूल है बिगड़ी का एंड दिस इज एप्लीकेबल इन डी वन एंड डी बोथ एंड इट इज रिकनफर्म बाई पोजीशन